77। पापा जी और मम्मी के नाम। बड़े बुजुर्गों का होना एक आशीर्वाद की तरह होता है। पापा जी 31 मार्च 2023 को अपने जीवन का फाइनेंशियल साल पूरा करके चले गए। माँ इन दिनों संजय के पास हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा यकीन है कि पापा जी मेरी कैंसर वाली बीमारी के बारे में जान गए थे। कैंसर जब डायग्नोस हुआ तब तो हमने मम्मी पापा जी से ये बात छिपा कर रखी। इस छिपाने के पीछे एक कारण रहा, श्रीमती जी की कैंसर से मृत्यु। हमें लगा कि उनके मन में बहुत डिप्रेशन आएगा इस बात को लेकर, तो छिपा कर रखा। हो सकता है घर पर कभी मेरी अलमारी में उन्हें ये फाइल अवश्य दिखी होगी, जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा रहता है BLK कैंसर हॉस्पिटल। अगर देख भी लिया होगा तो भी उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। पापा जी ने जीवन में हम सबके लिए बहुत संघर्ष किया है। हम आज जो भी हैं उन्हीं की मेहनत की वजह से हैं। पूरी जिंदगी कभी हमारी कोई विस्तार से बातचीत ही नहीं हुई। माता जी को नहीं मालूम, ये पक्का है, वरना वह ज़रूर इस बात को बोल देती। अक्सर पिछले कुछ सालों में मेरे लिए मेरे स्वास्थ्य के प्रति पापा जी की जो भी चिंता रही, मुझे उसी से अंदाज़ा होता है कि वह शायद ये बात जान गए थे। इस पत्र के माध्यम से मैं अपने माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं तो पूरी ज़िंदगी कभी भी खुलकर उनसे बात ही नहीं कर पाया, तो अभी भी डायरी लिखते हुए अंतर्मन ने सुझाव दिया कि अपने शब्दों के माध्यम से उन सभी का आभार व्यक्त करूँ जिनका मेरे जीवन में विशेष रूप से बीमारी के समय में विशेष योगदान रहा है। इसमें तो सबसे पहले और सबसे बड़ा योगदान माता पिता का ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। भले ही वे इस सच्चाई को जानते थे कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच्चे मन से दोनों को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उनका आशीर्वाद सदा मेरे साथ था, है और रहेगा। चैप्टर 78। ईशु और मनु। सबसे अधिक मेरी बीमारी से प्रभावित मनु हुआ। ईशु तो 2016 में घर में आई और उसने मेरा दूसरा कैंसर से लड़ाई वाला दौर ही देखा है। मेरी बातों का, मेरे व्यवहार का, मेरे बर्ताव का सबसे अधिक असर इन दोनों ने देखा, झेला और बर्दाश्त किया। बहुत बार मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाया। बहुत बार मैंने चुप्पी साध ली। बहुत बार ऐसा चाहा कि मेरे मन की बात समझ ली जाए। मनु के लिए कितना मुश्किल रहा होगा जब उसे पहली बार पता चला होगा कि मैं भी कैंसर की चपेट में आ गया हूँ। बहुत छोटा था जब उसने अपनी मम्मी को कैंसर से पीड़ित और उनकी मौत को देखा। मुझे नहीं पता कि उसने इस बात को कैसे लिया जब उसे पता चला कि मैं भी कैंसर से पीड़ित हूँ। हाँ, हमारी बातें होती है, मगर इस विषय पर कभी खुलकर हमने बात की हो मुझे तो याद नहीं है। उसने अपना फर्ज निभाया मेरे प्रति और निभा भी रहा है। इसी के लिए मुझे लगा कि मेरे इन बीमारी के सालों में उसकी जो विशेष भूमिका रही है और उसके लिए ये आभार व्यक्त करना तो बनता है। ईशु का और मेरा संबंध कभी भी बहू और ससुर वाला नहीं रहा है। मैंने तो उसे सदा बेटी के रूप में ही स्वीकार किया है। रिश्तों में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हमेशा चलता है और होना भी चाहिए। आज ये डायरी लिखते समय मुझे ये मौका मिला है कि मेरे प्रति किए गए उनके कर्तव्यों का आभार व्यक्त करूँ और मुझसे जो भी गलतियाँ हुई उनके लिए खेद व्यक्त कर क्षमा मांग लूँ। क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों के लिए ही साहस चाहिए होता है। लिखना बोलने से आसान तरीका है, तो इसलिए मैंने यही रास्ता चुना है। मुझे नहीं पता मेरे भविष्य में क्या है, बस वर्तमान में मैं जो भी थोड़ा समय प्यार और समर्थन दे सकता हूँ वह देने की भरपूर कोशिश करता रहूँगा। मेरा जो कर्तव्य है, स्थिति में जो भी मैं कर सकता हूँ करते रहने की कोशिश करूँगा। चैप्टर 79। संजय, संध्या, विराट, प्रांजुल और उत्कर्ष। संजय मेरा छोटा भाई है और उनका परिवार। एक समय था जब जॉइंट फैमिली का चलन होता था। धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन आए, परिवार अलग अलग रहने लगे, बच्चों की संख्या भी सिमट कर एक दो तक ही रह गई। संजय मेरे साथ 1983 में दुकान में जुड़ा। स्वभाववश उसे घूमने का शौक रहा, तो मैंने कभी भी ज्यादा रोक टोक नहीं की। मैंने हमेशा यही चाहा कि जो मैं नहीं कर पाया तो मेरे होते हुए ये करना चाहे तो अवश्य करे। उसके आने से मुझे भी शाम को काफ़ी समय मिला अपने ब्लड डोनेशन के प्रोग्राम पूरे करने के लिए। परस्पर सहयोग, परस्पर देखभाल के चलते जीवन में उसका एक विशेष स्थान है और रहेगा, जिसका सदा आभारी रहूँगा। संध्या ने भी भरपूर सहयोग किया।
विशेषकर जब श्रीमती जी का निधन हुआ और जब सुनीता के पति डॉक्टर नरेंद्र भाटिया जी की मृत्यु हुई। उसकी इस कर्तव्य पूर्ति के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। विराट उर्फ प्रांजल थोड़ा नहीं बहुत ओवर इमोशनल इंसान है। 2014 में जब मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ और ट्रीटमेंट चला तो उसकी ये अधिक भावुकता कई बार मुझे गुस्सा भी दिला देती। ठीक है, भावुक होना चाहिए, मगर अति भावुक भी नहीं, क्योंकि जब भावुकता ज़्यादा होती है तो अक्सर गलत ही निर्णय लिए जाते हैं। उसके लिए मैंने उसे कई बार टोका भी, हालांकि किसी को टोकना मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि गलतियां करो और उनसे सीखो। किसी को समझाने से किसी को कुछ समझ नहीं आता, जब तक कोई इंसान खुद अपने मन से नहीं सीखता। उत्कर्ष विराट का विपरीत है। वह बैडमिंटन खिलाड़ी है, दुनिया में कई जगह घूमा है, तो इसी सब में वह सब सीख गया है। वह थोड़ा अधिक व्यवहारिक, मतलब अधिक प्रैक्टिकल है। 2021 में जब दूसरी बार मुझे कैंसर हुआ तो उसने मेरा बहुत साथ निभाया। तो ये आभार मैं बोलकर भी व्यक्त कर सकता था, मगर बोलकर कुछ व्यक्त करना मेरे लिए मुश्किल रहा है, तो मैंने लिखने का माध्यम चुना। चैप्टर 80, सुनीता, विवेक, सुश्रुत। सुनीता मेरी छोटी बहन है, सुश्रुत मेरा भांजा। सुनीता पेशे से डॉक्टर है, मगर दिल से कला प्रेमी भी है। संगीत उसका खास शौक है, जिसके चलते उसने सितार बजाना भी सीखा। सुनीता से मेरा संबंध थोड़ा अलग है। जाने कब हमारे बीच कोई गुपचुप समझौता हुआ कि जब कभी मन की पीड़ा साझा करनी होगी तो दोनों भाई बहन जरूर साझा कर लेंगे। दोनों ने अपने अपने जीवन साथी बड़ी जल्दी खो दिए। कैंसर ट्रीटमेंट की कठिन परिस्थिति वाली यात्रा में भले ही कभी सुनीता खुद न आई हो, मगर मानसिक रूप से उसकी उपस्थिति तो हमेशा रही। और विवेक तो 2014 वाले समय में हर कीमो पर मेरे साथ रहा। सुश्रुत का स्वभाव बहुत शांत रहने वाला है। मुझे भी उन दिनों में एक ऐसे ही साथ की जरूरत थी जो बहुत ज़्यादा सवाल ना करे। सिचुएशन को समझकर खुद को उसमें ढाल लेने की विशेषता रही। वह हमेशा अपने साथ एक किताब रखता, जिसे पढ़ने में अपना समय बिताता। जैसे भी मिलता, मिल बांट हम दोनों खा लेते। बहुत ज़रूरी होने पर ही कभी कैंटीन जाता। ये भी संयोग की ही बात है कि उन दिनों वह एमफिल के लिए अपने एडमिशन का इंतज़ार कर रहा था। जब भी मौका होता, मेरे साथ अक्सर खुलकर बात कर लेता है। बाकी का मुझे नहीं पता। सुनीता से अक्सर मैं मोटिवेट होता रहता हूँ। किसी तरह से उसने न सिर्फ खुद को संभाल कर रखा, दो छोटे बच्चों की भी परवरिश की, और डॉक्टर साहब को खो देने के बाद किस तरह निजी जीवन, पारिवारिक दायित्व और अपनी क्लिनिक को संभाला, सचमुच ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं दिल से सुनीता और सुश्रुत के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चैप्टर 81, डॉक्टर शिखा, मेरी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। पहली बार 2014 में जब मेरा नेजोफेरिक्स कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू होना था, मेरे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझे बोला कि आपको शायद उम्र भर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के टच में रहना होगा। तब मेरे सामने दो नाम थे, जिनमें से मुझे एक चुनना था। अक्सर ऐसी दुविधा के समय में मैं अपने अंतर्मन की शरण लेता हूँ। उस दिन भी ऐसा ही किया, तो अंतर्मन ने एक पल में ही डॉक्टर शिखा को चुना। ट्रीटमेंट हो गया और उसके बाद किसी वजह से मैंने बेल के हॉस्पिटल की बजाय मैक्स हॉस्पिटल चुना। फरवरी 2020 तक मैं मैक्स हॉस्पिटल ही फॉलोअप के लिए जाता रहा। 2021 में मेरे लिए फिर दुविधा आई। इस बार कैंसर लौट आया तो मुझे वापस बीएलके का रुख करना पड़ा। 6 साल बाद फिर से डॉक्टर शिखा के पास लौट आया। कुछ मुश्किलें आई, मगर डॉक्टर शिखा ने उन्हें मुस्कुराते हुए हल कर दिया। इस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी कोरोना की दूसरी लहर, जो भयानक और घातक सिद्ध हो रही थी। ऐसे में हॉस्पिटल जाना ही अपने आप में एक चैलेंज था। ऊपर से लॉकडाउन ने मुश्किलें और बढ़ा दी। इन मुश्किल हालातों में डॉक्टर शिखा की सपोर्ट बहुत ही उपयोगी और कारगर साबित हुई। मेरे सभी सवालों के जवाब और मेरी सारी समस्याओं को हल करने में उनका जो योगदान रहा, उसके लिए शब्दों में आभार व्यक्त करना नामुमकिन है। फिर भी इन शब्दों के माध्यम से मैं छोटी सी कोशिश भर कर रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि भविष्य में भी मुझे आपका मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। मेरा ट्रीटमेंट पूरा हुए अब 3 साल हो चुके हैं और मुझे फॉलोअप के लिए उनके पास जाना होता है, तो मैं बहुत सहज और निश्चिंत मन से जाता हूँ। इस टेस्टिमोनियल के माध्यम से मैं डॉक्टर शिखा का सच्चे दिल से शुक्रिया करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ।
चैप्टर 82 श्वेता माताजी। साल था 2002 जब मेरी पहली बार फ़ोन पर श्वेता से बात हुई। फिर हमारी ऑनलाइन मेल और मैसेंजर के जरिए कुछ बात हुई और अगस्त में फ़ोन से बात होनी शुरू हुई। तब मोबाइल फ़ोन सबके पास नहीं हुआ करते थे। 29 सितंबर को श्वेता का जन्मदिन होता है। तब तक जाने श्वेता ने मुझ में क्या अनुभव किया कि उसने खुलकर बात करना शुरू कर दिया था। दिसंबर में श्वेता की शादी हुई और उसके बाद हमारा संबंध गहरा होता चला गया। मैं मजाक में उसे अक्सर कहा करता था कि लोग कहते हैं बेटी शादी के बाद पराई हो जाती है, मगर तुम तो और ज्यादा अपनी हो गई हो। आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले इस मन से अक्सर बहुत सारे विषयों पर बातें होती और हम जैसे स्वभाव के हैं वैसे ही एक दूसरे को एक पिता और पुत्री के संबंध में स्वीकार करते चले गए। कुछ लोगों का जीवन में आना कुछ विशेष महत्व रखता है। मेरे जीवन में ढेर सारे लोग आते चले जाते मगर कोई मेरे साथ टिक नहीं पाता। इस धारणा को श्वेता ने ही तोड़ा। परस्पर विश्वास, परस्पर सम्मान, परस्पर समझ रिश्ते की नींव होती है। संबंधों में ऊंच नीच भी होती है मगर रिश्ते को निभाने के लिए परस्पर सहयोग एक विशेष मंत्र होता है। 2014 में मेरी कैंसर वाली लड़ाई के समय श्वेता ने जो मॉरल सपोर्ट दी उसको शब्दों में ना लिखा जा सकता है ना कहा जा सकता है। मेरी फ्रस्ट्रेशन, मेरा गुस्सा भी झेलना पड़ा उसे और मैंने भी भरपूर हक से गुस्सा भी किया। जाने कब मैंने उसे माताजी कहना शुरू किया, शायद उसके आध्यात्मिक रुझान को लेकर मैंने ऐसा किया हो या उसके स्वभाव में एक मातृत्व का स्पष्ट अंश झलकता है उसकी वजह से कहा हो। जो भी कारण रहा हो निश्चित ही पहले से ही फिक्स रहा होगा। श्वेता के साथ संबंध मानसिक आध्यात्मिक तत्व से भरा हुआ है। बहुत सेंसिटिव और इंट्रोवर्ट होने के कारण वह अक्सर अकेला रहना ही पसंद करती है। हमारा संबंध 2 दशक से अधिक समय से है। इस संबंध में एक सहयोग, आपसी तालमेल है जो इसे बनाए रखने में सहायक है। चैप्टर 83 कनिका। हमारा परिचय ऑनलाइन हुआ 2015 में और बहुत जल्दी हमने एक दूसरे की भावनाओं को समझा। भावनाएं ही रिश्तों की नींव होती हैं। धीरे धीरे संबंध मजबूत होता गया। आमने सामने मुलाकात के अवसर तो बहुत कम हुए मगर फोन पर ही अधिकतर बात होती। दूसरी बार के कैंसर के समय पूरे दिल से मेरा ख्याल रखा। अब तो मेरी फ़ोन पर भी बात नहीं हुआ करती थी। मुझे बोलने में तकलीफ होती तो अक्सर किसी से बात करने से कतराता ही था। बेहद संवेदनशील और बहुत अद्भुत सोचने वाली लड़की है अद्विति। ये नाम मैंने ही दिया उसे। अपने पापा को बचपन में खो देने के कारण मुझ में कहीं उसे पापा का स्वरूप दिखा होगा जिसके कारण से उसने मेरे लिए पा शब्द का संबोधन चुना। हमारी बातचीत में सब बातें शामिल होती हैं। परस्पर स्नेह से गुथा हुआ ये रिश्ता मेरे जीवन में आए प्रभावशाली रिश्तों में से एक है। रिश्ते सिर्फ खून के ही नहीं होते, रिश्ते भावनाओं से बुने जाते हैं। जिन रिश्तों में भावनाएं ना हो वह रिश्ते बोझ बन जाते हैं। मेरा अद्विती से रिश्ता भावनाओं के आकर्षण से बना और चल रहा है, चलता रहेगा। इसमें कोई अपेक्षा नहीं है। अगर कोई अपेक्षा है तो वह ये है कि एक दूसरे की खुशी और सलामती की। मेरा साथ निभाने के लिए मैं दिल से आभारी हूँ और सदा रहूँगा। अद्विती का भविष्य उज्ज्वल हो, के से यही प्रार्थना है। चैप्टर 84 YQ योर कोट ऐप। मुझे हमेशा यही लगता रहा है, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है वह पहले से ही निश्चित होता है। इस बात को मैं आज पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। दिसंबर 2020 में कोरोना और लॉकडाउन से सब लोग बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे और ऑनलाइन होकर रह गए थे। दिन के 12 से 14 घंटे दुकान पर बिताने वाला मैं बहुत मायूस रहने लगा तो मुझे लिखने के लिए एक ऐप मिला जिसका नाम है योर कोट। YQ भी कह सकते हैं। BG क्या होती है, इस पर कैसे लिखते हैं, मुझे कुछ पता नहीं। धीरे धीरे देखकर सीखा। जनवरी में लिखना शुरू किया। देखता हूँ अधिकतर लोग नेगेटिव बातें ही लिख रही हैं, मानो दिल की भड़ास निकाल रही हूँ। गहरे से देखा तो लिखने वाले अधिकतर युवा वर्ग से हैं। मेरे अंतर्मन ने सुझाव दिया कि इस नेगेटिव माहौल में पॉजिटिव लिखकर दिखाओ। ये एक चुनौती की तरह लगा। जिंदगी में बहुत सारे रिस्क लिए हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है, तो ये भी सही। पूरा जनवरी का महीना इसी रूप में खपा दिया। सारा दिन खाली बैठने से तो बेहतर लगा।
जनवरी का अंत होते होते समझ में आने लगा कि इस चुनौती से हार मिलने वाली है। बोरिया बिस्तर बांधने की सोची, मगर फरवरी ने थोड़ा उत्साह जगाया। कुछ लोग जुड़ने लगे, कुछ उत्साह भरे कमेंट्स ने मेरे मन को उत्साहित रहने की प्रेरणा दी। फरवरी 2021 तो मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती लाने वाला है, जो फरवरी में हुए पेट स्कैन से साफ हो गई और 28 फरवरी को हुई बायोप्सी ने उस पर मोहर लगा दी। कैंसर ट्रीटमेंट, कोरोना का कहर और मेरे पास अपनी बातें कहने को YQ ही सहारा था। इसी प्लेटफॉर्म पर भीड़ में थोईबी नाम के एंजल से मिलना और उसका मेरे कीमो के दिन से अगले दिन मेरा इंटरव्यू YQ पर पोस्ट करना, क्या ये मात्र संयोग है? बिल्कुल नहीं, ये उस ईश्वर की योजना का हिस्सा है जो हम केवल समय बीत जाने के बाद ही समझ पाते हैं। मैंने कभी भी अपना दर्द तकलीफ स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखी, मगर फिर भी मुझे हमेशा लगता कि मेरा मन हल्का हो गया है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने योरकोट का शोषण किया, मगर नहीं, मैंने योरकोट का भरपूर उपयोग किया है। सब लोगों को मोटिवेट करने से मैं खुद कितना मोटिवेट हुआ ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आज मन की गहराइयों से मैं योरकोट का, उसकी टीम का धन्यवाद करता हूँ, जिसके कारण मैं खुद को व्यस्त और मोटिवेट रख सका। उन सब लोगों का भी आभारी हूँ जो मुझसे जुड़े और मुझे उन सब से कुछ सीखने का मौका मिला। चैप्टर 85, थोईबी बचाओ की बिटिया। मैं जन्म जन्मांतरों में विश्वास रखता हूँ, कर्म और कर्म फल में भी पूरी आस्था रखता हूँ। मुझे कर्म फल के रूप में ईश्वर ने समय समय पर कुछ ऐसे विशेष लोग दिए हैं जिनका मेरे जीवन में बहुत प्रभाव रहा है। जब मैंने पहली बार YQ पर ये नाम पढ़ा तो मुझे कुछ अलग सा अजीब सा लगा। मेरे इस नाम को समझने की जिज्ञासा मुझे गूगल बाबा के पास ले गई और मैं तो थोईबी नाम का अर्थ पढ़कर ही खुश हो गया। मेरी इसी खुशी ने मुझसे उसकी पोस्ट से कोलैब करवा दिया। थोईबी का अर्थ होता है पूर्णता, सुंदरता, उपलब्धियों की पूर्ति, जो सब शीघ्र ही सामने भी आ गया। थोईबी ने मुझे बचाओ अर्थात बड़े पापा का संबोधन दिया, जाने अनजाने मुझे उत्साहित रखा। मेरे पूरे ट्रीटमेंट के दौरान थोईबी का मौन सहयोग मेरे लिए संजीवनी का काम करता रहा। ये मात्र संयोग नहीं है, मेरे अंतर मन से मेरे परम मित्र जो हमेशा मुझे इंट्यूशंस देते हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उन दिनों तो सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा था, तो रिश्ते भी ऑनलाइन मिलेंगे, अंतर मन से KK ने मुस्कुराते हुए कहा। KK का टाइम टेबल इतना पक्का कि 7 मार्च की कीमो होती है, 8 मार्च को थोईबी YQ पर मेरा इंटरव्यू पोस्ट करती है कि मेरा उत्साह कायम रहे। 14 को फिर मेरी कीमो हुई और मैं बहुत तकलीफ में था। 15 को सुबह ही थोईबी ने एक प्रार्थना पोस्ट की मेरे लिए। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं होती हैं, तो मन कैसे न माने कि ये टाइम टेबल तो ईश्वर ने पहले से ही बना रखा है। बात है समझने और विश्वास करने की। मैं तो इस बात में पूरा विश्वास रखता हूँ कि जब भी कोई मुश्किल आती है तो उसका हल भी होता है। अगर उस पर भरोसा है तो अपने आँख कान खुले रखो और कोई जल्दबाजी मत दिखाओ। हल कहीं से भी आ सकता है। हो सकता है किसी से बात करते करते अनजाने में ही कोई ऐसी बात बोल जाए जिसमें मुश्किल का हल छुपा हुआ हो। जब कोई संबंध बनाता है वह एक नदी के प्रवाह सा होना चाहिए, अपने बांधों के बीच बहता हुआ। संबंध में परस्पर स्वीकृति, मतलब जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। हम अगर ऐसा कर पाते हैं तो संबंध हमेशा बने रहने की संभावना रहती है। मेरा और थोईबी का संबंध ऐसा संबंध है, हमने एक दूसरे की अच्छाई बुराई सबको स्वीकार किया है, कभी अपने विचार थोपने की कोशिश भी नहीं की। तो इस संबंध का प्रवाह और प्रवाह में परवाह दोनों कायम है। बड़े पापा होने के साथ साथ मैं थोईबी का मित्र भी हूँ और मित्र रहना भी है मुझे। चैप्टर 86, दीपक कनौजिया। योरकोट पर मेरे रक्तदान के बारे में पढ़कर दीपक जी 2021 की दीपावली के दिन मुझसे मिले और हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मुझे उनके जिस गुण ने प्रभावित किया वह है उनका रक्तदान, तो मुझे लगा कि मैं ऑनलाइन भी किसी को मोटिवेट करने में सफल हो गया हूँ। 2022 में आपने बताया कि वह अपनी पहली किताब लिखना चाहते हैं और वह मेरे जीवन पर आधारित किताब लिखना चाहते हैं। मेरी स्वीकृति लेने के बाद उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया, बहुत मेहनत की और 2023 में इसे लिखकर छपवा पाने में भी कामयाब हो गए। किताब का नाम है ब्लडी मैन। अरे नहीं, ये कोई गाली या अपशब्द नहीं है। असल में 1998 में जब मेरे 100 रक्तदान पूरे हुए तो एक सम्मान समारोह में मेरे एक पत्रकार मित्र ने मुझे ये टाइटल दे डाला, जिसकी मुझे व्याख्या करनी पड़ी कि ब्लडी मैन
का अर्थ क्या है? ब्लडी मैन मीन्स ए मैन रेडी टू डोनेट ब्लड फॉर एनीवन एनीवेयर एनी टाइम। मेरा सौभाग्य है कि दीपक जी ने मेरे जीवन की कहानी को इस लायक समझा कि वह अपनी लेखन की शुरुआत ऐसी किताब से करें। दीपक जी ढेर सारी किताबें लिखें, इसी शुभकामना के साथ मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और उनके लेखन के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चैप्टर 87 के अर्थात कर्ता कृष्ण। हम सब भगवान को मानते हैं लेकिन अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम से। ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी है। कृष्ण मेरे मित्र हैं, जो मेरे अंतर्मन से आवाज आती है वह उन्हीं की है। मैं सदा ये मानकर चलता हूँ, मैंने जीवन भर कर्म करने में विश्वास रखा है। अपने हितों से परे सबके हित की सोच मेरे अंतर्मन की है। ये सच है कि मैं मंदिर नहीं जाता, कोई पूजा पाठ में भी रुचि नहीं रखता, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं नास्तिक हूँ। मेरी कोशिश हमेशा से यही रही कि मैं इंसान बन सकूं। मैंने कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं माना, मैं स्वयं को एक माध्यम मानता रहा हूं और मानता रहूंगा। हाँ, कर्ता तो कृष्ण मतलब भगवान ही हैं, तो मैंने उनका नाम ही के रख दिया, मतलब कर्ता कृष्ण। मेरे जीवन में के का स्थान परम मित्र का रहा है। मेरी हर मुश्किल में के से मेरे लिए हल आए हैं। मैंने जानबूझकर कई कई बार अपने अंतर्मन की आवाज़ को नहीं सुना और खुद कर्ता होने की कोशिश की और हर बार मार खाई है। बहुत बार मैंने केके को कोसा, अपशब्द भी कहे, मगर अंत में तो अंतर्मन की ही शरण जाना पड़ा मुझे। धीरे धीरे मुझे ये विश्वास होता गया कि केके ही मेरे अंतर्मन से बोलते हैं। केके से मेरी पहली मुलाकात या अनुभव 1983 में हुआ, जिसके कारण हुआ उनका नाम कृष्णन जी है। मैं गया था एमए साइकोलॉजी का एग्जाम देने, वहाँ मेरी मुलाकात कृष्णन जी से होती है, मानो पहले से प्लान बना हुआ हो। होटल का एक रूम जो मैंने बुक करा रखा था, कृष्णन जी को रूम मिला नहीं। वह मुझसे आग्रह करते हैं तो मैं खुशी खुशी मान लेता हूँ। एक बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे दवा के बिजनेस में एमए साइकोलॉजी क्या काम आएगी। मैंने असल बात छिपाकर झूठ बोला कि ब्लड डोनेशन के काम में इसका रोल होगा। 2 दिन बाद कृष्णन जी मुझे डिनर पर ले जाते हैं और एक गिफ्ट भी देते हैं। जब मैं गिफ्ट खोलता हूँ तो उसमें निकलती है भगवद गीता। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब एग्जाम देकर दिल्ली लौटा तो मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर माखन लाल जी से। उन्होंने भी मुझे गीता का टीका भेंट दिया, जिसे मैंने इस शर्त पर लेना स्वीकार किया कि वह मुझे गीता को समझाएंगे भी। ये सब संयोग नहीं है। असल में केके का पहला अनुभव मुझे 1997 में हुआ, जब श्रीमती जी को कैंसर हुआ और मैं एक मुसीबत के जाल में फंसा। उस समय जिस तरीके से समस्याओं का हल निकला, उससे मेरा विश्वास मजबूत होता चला गया और मैं अपने अंतर्मन से अधिक जुड़ता चला गया। केके के स्पष्ट निर्देश, इशारों में संदेश और जाने क्या क्या। मैंने सदा उनसे सब बात कही, जो गलत किया वह भी और जो सही किया वह भी। ये डायरी लिखने का निर्देश भी केके का ही है, तो इसीलिए मैं उनके लिए भी ये टेस्टिमोनियल लिख रहा हूँ। चैप्टर 88 एक संदेश अपने नाम। बहुत सालों के बाद अपने नाम एक पत्र लिख रहा हूँ। हेलो दोस्त, जिंदगी भर अभी तक मेरा साथ निभाने के लिए अपने दिल से अपना धन्यवाद करता हूँ। तुमने जो अलग राह चुनी, उस पथ का निर्माण किया जो आसान काम नहीं, अधिकतर लोगों का विरोध झेला, उनकी आलोचना सही, उसके लिए बधाई तुम्हें। रक्तदान, लेखन और व्यवसाय तीनों को ठीक ठाक से चलाते रहे तुम। तुमने सीखा, समझा कि तुम कर्ता नहीं हो, बस मात्र एक माध्यम हो। जिसे ये तथ्य समझ आ जाए, उसके लिए बहुत सारी चीजें अक्सर आसान हो जाती हैं। तुमने 2-2 बार कैंसर भी झेला, हिम्मत से लड़ा, अभी भी लड़ रहे हो। ये जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें गाइडेंस मिलती है ना, ये तुम्हारे लिए जीने का रास्ता बनाती है। इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, मन बहुत भटकाता है, मगर तुमने ज्यादातर अपनी इस गाइडेंस का पूरा विश्वास रखा, जो तुम्हें अक्सर चुप रहने पर मजबूर करता रहा है। तुम में जो कमियां हैं वह भी कम नहीं है, अभी भी तुम्हें अपने पर बहुत काम करना है। अब तो तुम जिंदगी की क्लास के आखिरी पीरियड में पहुंच गए हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सीखना छोड़ दो या अपनी गलतियों को सुधारना बंद करो। ये सुधार का काम तो आखिरी सांस तक चलते रहना है। मानो तुमने जिंदगी में बहुत कुछ किया लेकिन अभी और करना बाकी है। किसी से भी कुछ भी अपेक्षा नहीं रखनी है तुम्हें। अब ये मत कहना कि नहीं रखता, थोड़ी सी रखते हो, कहते नहीं हो तो क्या। अपनी सोच पर भी नियंत्रण रखना, समझे, विचारों को दिशा देना जानते हो। जब तुम रेडिएशन कराते हुए अपने विचारों को दिशा दे सकते हो, तो आम दिनों में तो ये तुम्हारे लिए सरल होना चाहिए ना।
तुम्हारे जीवन में ढेर सारे अच्छे लोग आए जिन्होंने तुम्हारा मुश्किल हालातों में साथ दिया। तुम भी लोगों का साथ देते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कोई हमेशा तुम्हारा साथ दे। हमेशा तो तुम्हें ही अपना साथ देना है। चलो बहुत हो गया, अब आज से, अभी इसी पल से, तुम मुझसे वादा करो कि हम दोनों आखिरी सांस तक बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। कुलभूषण दीप।